दोस्तों प्रणाम। दोस्तों आज अपने अनुभवों की इस श्रृंखला में मैं आपको देवप्रयाग के एक ऐसे आदमखोर लपट का घटनाक्रम सुनाने जा रहा हूँ। तो एक साथ दो लपट सक्रिय थे, परंतु उस समय हम लोग नए थे, इसलिए हम ये समझ नहीं पाए कि ये दोनों एक्टिव है और कैसे इनको अंजाम तक पहुंचाया गया, इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों ये 2009 जून की बात है। मुख्य मार्ग बद्रीनाथ ऋषिकेश मार्ग पे आप देवप्रयाग गए होंगे। देवप्रयाग से थोड़ा आगे एक सैनिक होटल है और जहाँ पे शिव की बड़ी मूर्ति है उससे पीछे एक पंथ गांव है और वहाँ से एक रोड ऊपर भरपूर पट्टी के टोल गांव तक जाती है। ये घटनाक्रम उसी टोल गांव का है। दोस्तों 30 मई 2009 को टोल गांव का रजत, जो 10वीं की परीक्षा जिसने दी थी, अपने रिजल्ट के इंतज़ार में था, क्योंकि उस समय जून के समय पर रिजल्ट खुलता था। और दोस्तों उस समय इस क्षेत्र पे आदमखोर का भय तो था, क्योंकि इससे पहले देवप्रयाग के ठीक ऊपर जो कोटी गांव है उस पर एक आदमखोर सक्रिय हुआ था और उसको राकेश बर्तवाल ने मारा था। उसके बाद और भी जो गुलदार थे वो एक्टिव थे, परंतु उन्होंने किसी बच्चे या महिला को मारा नहीं था, बल्कि लोगों को घायल किया था, इसलिए उतना भय नहीं था। शाम का समय था। ये टोल गांव एक छोटा गांव है, जो परिवार है इसमें वो बिखरे हुए हैं, घर अलग अलग हैं। और उस समय ये रजत शाम के समय ऊपर घर से दूध लेके अपने घर जा रहा था। इसके बगल पे जो रास्ता था वो गहराई में था, क्योंकि बरसात के मौसम पे, क्योंकि जो पानी है वो पानी भी रास्तों पे जाता है, इसलिए कटाव के कारण ये जो रास्ता था वो गहरा हो चुका था। जब रजत उस रास्ते पे गुजरा तो शायद कोई गुलदार वहाँ से रजत को देख रहा था और एक अच्छा मौका मिलने पर उसने रजत पे हमला कर दिया। दोस्तों रजत की चीख किसी के द्वारा सुनी नहीं गई। जब लगभग एक आधा घंटा हो गया तो उसके घर वाले ने उनको आवाज़ लगाई ऊपर वालों को कि यार रजत को भेजो, दूध लेने गया था अभी तक नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि वो दूध लेके बहुत पहले निकल चुका है। फिर एक अजमस की स्थिति आ गई, तो सब लोग उस साइड पे गए जहाँ से रजत दूध लेके आया था। तो उन्होंने देखा कि दूध का जो लोटा था वो एक रास्ते पे गिरा हुआ है, रजत की चप्पलें भी वहीं पे हैं और वहीं से घसीट के निशान है। तो उसी समय लोगों को ये कन्फर्म हो गया कि रजत को कोई गुलदार उठा के ले गया है। तो दोस्तों उसके बाद आ गया और लगभग एक दो घंटे बाद रजत का अधखाया जो शव था, एक 16 साल के बच्चे का, जिस जो इस देश का एक भावी नागरिक, भावी अधिकारी, भावी नेता बनता, उसका अधखाया शव वहीं आगे जो लेंटिना की झाड़ियाँ थी उसमें प्राप्त हुआ। घर वालों का रो रो के बहुत बुरा हाल था, क्योंकि आप लगा लो एक 16 साल के युवा ही समझे, उसको यदि कोई गुलदार मार दे तो घर वालों पे क्या बीतेगी। दोस्तों उसके बाद वन विभाग, राजस्व विभाग को सूचना दी गई और वन विभाग द्वारा यहाँ पे पिंजरे लगवा दिए गए और वाइल्ड लाइफ चीफ देहरादून को इसकी सूचना दे दी गई
कि यहाँ पे एक गुलदार जो है वो नरभक्षी हो चुका है। दोस्तों, इस गुलदार को वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा 5 तारीख को जून को नरभक्षी घोषित करते हुए मारने का हंटिंग परमिट जारी कर दिया गया। और दोस्तों, DFO उस समय नरेंद्र नगर डिवीजन में ये क्षेत्र पड़ता था, वहाँ गोपाल सिंह जी थे, उनके द्वारा मुझसे संपर्क किया गया और मैं लगभग 8 तारीख को यहाँ से कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से देवप्रयाग और देवप्रयाग से पंतगांव होते हुए उस कच्ची रूट पे जो उस समय नहीं बनी हुई थी, आधे रास्ते तक हम अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँचे और अपनी गाड़ी आधे रास्ते में खड़ी करके हम टोल गांव के लिए पैदल चल दिए। उस समय मैं और वीरेंद्र और चाचा श्याम सिंह हमारे साथ थे। वहाँ जो स्वरूप सिंह नयाल जी फॉरेस्ट गार्ड थे वो पहले से मौजूद थे, हमने उनके पिंजरों का निरीक्षण किया और उनके पिंजरे जो सही नहीं लगे थे उन पिंजरों को हमने उस दिन सही किया। और उसके बाद लोगों से पूछा कि कहाँ कहाँ गुलदार दिख रहा है या इसकी एक्टिविटी कहाँ है, इसके बारे में लोगों से हमने पूछा। दोस्तों, जो रोड कटी हुई थी वो कहीं टूटी हुई थी और बाकी गांव के बगल पे भी रोड कट के आगे गई थी, तो शाम को हम उसी जो रोड कच्ची रोड थी, कच्ची रोड क्या आधी बनी हुई रोड थी, उस पे हम लोगों ने जब सर्च किया तो हमें गुलदार तो नहीं दिखा, परंतु उसके ठीक सामने हमको 2 बड़े बड़े भालू जो थे वो निकलते हुए दिखाई दिए शाम को। तो एक नया अनुभव था हमारे लिए कि इस क्षेत्र में भालू हुए हैं, और वो इतने बड़े बड़े भालू थे कि मेरे को मजबूरन अपना कैमरा निकाल के उनको वीडियोस बनानी पड़ी। मैंने उनकी वीडियोस बनाई तो मैंने देखा कि बाबा, इस क्षेत्र में बहुत भालू हैं। फिर जब लोगों से हमें पता चला तो लोगों ने बताया कि यहाँ सुअर, भालू और गुलदार जो हैं, ये 2-3 गुलदार जो हैं उनको दिख रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी हम नए नए थे, इसलिए हमारा कैंप भी यहाँ पे नहीं बना हुआ था, तो किसी के घर में रुक के हमने वहीं खाना खाया और रात्रि उसी के ऊपर 2 मंजिले की जो छत थी उस छत में बाहर में सो गए, क्योंकि जून का महीना था और ये एरिया बहुत गर्म था। इस एरिया में सारी जगह जो नाले थे, जो पूरा क्षेत्र था, ये पूरा लेंटेना से पटा हुआ था। और दूसरे दिन सुबह हम उठ के हमने इसके चारों ओर के रास्तों से जो गांव के लिए जो रास्ते आ रहे थे उन रास्तों को हमने चेक किया, तो हमने देखा इन पे गुलदार के चले हुए के निशान हैं, यानी गुलदार यहाँ पहले से है। उस समय जो इस गांव के बगल पे एक नाला था, उस नाले में पानी था और बाकी अक्सर जो जगह थी उनमें पानी नहीं था। यानी आप कभी जब देवप्रयाग से आगे जाएंगे तो एक जो नाला है वो पंत गांव के बगल पे आता है, जहाँ पे गाड़ी बहुत अंदर तक कटती है, वहाँ पे पहले पुल भी बना था, वो पुल भी बह गया था और वही नाला ठीक ऊपर जाके उसी नाले में केवल पानी था, बाकी और जगह पानी नहीं था। यानी गुलदार यदि गर्मी के मौसम में अपने शरीर को ठंडक रखने के लिए इस नाले का प्रयोग कर रहा होगा और पानी पीने के लिए भी इसी नाले का उपयोग कर रहा होगा। और मेन ये था कि जो भी जंगली जानवर होगा वो भी पानी पीने केवल इसी नाले पे आ रहा होगा, बाकी और जगह पानी बिल्कुल नहीं था। और गुलदार के लिए अपने शिकार के लिए भी सबसे बढ़िया सुटेबल छुपाव, सुटेबल जगह यही थी। तो दोस्तों, उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि ये गुलदार को किस प्रकार से हम लोग ट्रैक करेंगे, इसके बारे में हमको एक रणनीति बनानी थी, क्योंकि अभी हमें ये क्लियर नहीं था कि ये मादा गुलदार है या नर गुलदार। परंतु जैसे वो लोग बता रहे थे कि वो अक्सर 2 गुलदार यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक साथ 2 गुलदार दिखाई दे रहे हैं, तो पहले तो मैं इस चीज़ से विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि 2 गुलदार एक साथ दिखने का मतलब है
कि ये जो हमारी पुरानी थ्योरी है उस पर एक गहरी चोट है। परंतु मैं 2006 में एक साथ दो गुलदारों को मार चुका था और इसलिए मुझे थोड़ा ये था कि हो सकता है कि ये दो गुलदार आपस में एक साथ चल रहे। क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद रात्रि हम लोगों ने सर्च किया तो सर्च में हमें कुछ नहीं दिखा, परंतु गांव के नीचे बहुत भयंकर आवाज़ जो थी वो सुनाई दे रही थी। तो मैंने लोगों को पूछा, यार मैंने तो सब जगह आवाज़ें सुनी परंतु ये आवाज़ तो गुलदार की है नहीं, ये किस प्रकार की आवाज़ें हैं? तो लोगों ने कहा, भाई साहब यहाँ जो है वे भालू हैं, भालू आपस में लड़ रहे हैं इसलिए ये इनकी आवाज़ आ रही है। तो मैं समझा, अरे ये तो भालुओं की आवाज़ है। और उस समय एक उस क्षेत्र पे एक फल होता है, एक पेड़ पे उमरू उमरू उससे कहते हैं, शायद अंजीर के टाइप का कुछ फल है। तो उसको खाने के लिए भालू गांव के खेतों तक, गांव के नज़दीक तक पहुंच जा रहे थे और वो आपस में लड़ रहे थे, इसलिए ये आवाज़ बहुत ज़बरदस्त आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो अब हमें एक और भी भय हो गया था कि गुलदार के साथ साथ हमको यहाँ पे भालू का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों शाम को फिर हमने खाना खाया और उसके बाद सर्चिंग के बाद हम लोग फिर उसी ऊपर वाली छत पे लेट गए। दोस्तों ये 10 तारीख जून की बात है, सुबह 4 बजे हम उठ ही रहे थे कि हमें एक गुलदार की आवाज़ सुनाई दी। गुलदार की आवाज़ सुनाई देने पे हम एकदम फटाफट चौंक के उठे और हम लोगों ने अपने कान लगाए कि किस ओर से ये आवाज़ आ रही है। तो हमने देखा कि जो ठीक हमारे सामने जो पहाड़ी है या जो पहाड़ी ढलान है इस पे से आवाज़ आ रही है, यानी गुलदार जो है उस नाले से पानी पीकर इस वाली जो ढलान वाली चट्टान है इस चट्टान पे जा रहा है। तो मैंने चाचा श्याम सिंह और वीरेंद्र को कहा कि चलो फटाफट चलो, ये गुलदार आवाज़ कर रहा है, चलो इसका पीछा करते हैं। तो हम लोग जल्दी ही उठे और सीधे बिना मुँह धोए उस साइड पे चल दिए। हम नाले पे पहुँचे, नाले के बाद जो चढ़ाई पे रास्ता था वो बिल्कुल ऐसे चढ़ाई पे एक रास्ता था, हम उस रास्ते पे चलने लगे। गुलदार लगातार आवाज़ें कर रहा था। तो रास्ते पे हमने देखा कि धीरे धीरे चलने के जब हम इस चढ़ाई पे चढ़ रहे थे तो हमने देखा, क्योंकि उस चढ़ाई पे जो मिट्टी थी वो मिट्टी लगभग बारीक बारीक थी, उस पे हमको एक गुलदार के चलने के निशान दिखाई दिए। तो हमें ये पक्का विश्वास हो गया कि ये जो गुलदार है वो इसी रास्ते पे चल के ऊपर चट्टान पे जा रहा है। तो हम लोग भी धीरे 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 उसके पीछे चल दिए। दोस्तों अब हल्का हल्का सूर्योदय हो रहा था, तो जो ऊपर जो धार थी उस धार पे हमने जब नज़र मारी, यानी स्काईलाइन, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि वो स्काईलाइन का मतलब नहीं समझे। स्काईलाइन का मतलब ये होता है, कोई भी चट्टान या कोई भी पहाड़ी यदि जहाँ पे आकाश से मिलती है, यानी उसकी जो लास्ट रिज है और हम उसको यहाँ से देख रहे हैं तो हमको वो चोटी आकाश में दिखाई देती है। यदि कोई भी चीज़ इस प्लेस पे होगी, यदि आप दूर से दूर भी देखेंगे तो वो आपको स्पष्ट दिखाई देती है। तो मैंने जब ऊपर को नज़र मारी तो मेरे को स्काई लाइन पे एक गुलदार दिखाई दिया, परंतु मैंने ध्यान दिया कि उसकी पूंछ खड़ी थी। तो खड़ी पूंछ होने के कारण मैंने तुरंत चाचा श्याम सिंह से पूछा कि यार चाचा ये तो दिख तो रहा है हमें, परंतु मेरे को लग रहा है इसकी पूंछ ऊंची क्यों है? पूंछ ऊंची तो तभी हो सकती है जब ये मीटिंग में हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मीटिंग में है। तो तभी वीरेंद्र ने मुझे कहा कि भाई साहब देखो एक गुलदार और है। तो मैंने जब ध्यान से देखा तो उसी से थोड़ा आगे एक गुलदार और दिखाई दिया, यानी ये दो गुलदार हैं। अब हमें ये था कि लोग भी कह रहे थे कि ये दो साथ दिखाई दे रहे हैं, परंतु जिस समय इन्होंने बच्चे को मारा तब से अब तक लगभग 11 दिन हो चुके हैं, इनका मीटिंग पीरियड केवल 3 दिन का होता है। तो क्या ये पहले से ही साथ रह रहे हैं या ये मीटिंग पीरियड में एक साथ है, ये हम समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी हम लोग धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगे और हमने ध्यान से देखा कि वो गुलदार उस रिज के टॉप से जो नीचे
पत्थरों की जो गुफा बनी हुई थी उस साइड को नीचे उतर रहे हैं। यानी यदि हम अब इस टॉप में जाएं और टॉप से हम नीचे को देखें तो ये हमको जो पहाड़ी की जो गुफा बनी हुई है इस उस धार उस साइड के इस साइड को, यानी वो यहाँ से इस साइड को आ रहे हैं और हमको यहाँ से ऊपर चढ़ना है, तो इस रिज के इस जो गुफा पत्थरों की जो गुफा ऐसी गुफा बनी होगी उस पे ये आ रहे हैं। यानी दिन में जो धूप होगी उस धूप को बचने के लिए ये इस गुफा का उपयोग कर रहे होंगे। तो यदि हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमें यहाँ दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों धीरे 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 हम तीनों ऊपर टॉप पे पहुँच गए। बहुत खड़ी चढ़ाई थी और लगभग टाइम भी हमको वहाँ चलते चलते ऊपर सांस भी फूल रही थी। तो हम लोग जब उसके टॉप पे पहुँचे तभी हमने देखा कि उसी के बगल पे एक गांव तनसाड़ा है और तनसाड़ा की जो प्रधानी थी उस समय महिला प्रधान थी वहाँ पे, वो अपनी बकरियों के साथ उसी रिच पे बकरियों को चुगाने के लिए ला रही है। तो मैं तुरंत उसके सामने गया, मैंने उनको बताया कि यहाँ बाघ है, यानी क्योंकि लोकल भाषा में गुलदार को भी बागी कहा जाता है। तो मैंने उनको कहा यहाँ बाघ है, आप अपनी बकरियों को इधर नम लाए और हम इसको देख रहे हैं। तो वो महिला बहुत समझदार थी और अगली वीडियोस पे हम आपको बताएंगे कि वो बहुत हेल्पफुल थी। और दोस्तों उसके बाद उसने अपनी बकरियों को दूसरी साइड को चराने के लिए डाल दिया और मैं धीरे 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 उस रिज के टॉप पे धीरे धीरे घिसलते घिसलते आगे को बढ़ने लगा। दोस्तों क्योंकि वो बिल्कुल मेरे नीचे, गुलदारों को ठीक मेरे नीचे उस चट्टान के नीचे होना चाहिए था, इसलिए मैं ध्यान लगाए हुए बहुत धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा था और सूरज जस्ट मेरे पीछे से था। यानी जहाँ मैं जा रहा था सूरज मेरे पीछे से था और वो रिज के नीचे थे। यानी गुलदार जो हैं वो उस पहाड़ की छाया में बैठे होंगे और यदि सूरज से मेरी परछाई भी जाएगी तो वो इनसे बहुत दूर जाएगी। गुलदार को मेरे परछाई का महसूस या परछाई वो देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं जितना भी घिसटते हुए आगे बढ़ सकता था मैं पूरी सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब मैं धीरे 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 करके ठीक उस चोटी पे पहुंचा तो मैंने अपना सर नीचे किया और ध्यान से नीचे को देखने लगा तो मैंने देखा कि एक पत्थर में एक गुलदार लेटी हुई है। और मैंने पहले ध्यान से, और उसका जो ध्यान था वो हमारी ओर नहीं है बल्कि वो नीचे की ओर देख रही है। और ध्यान लगाने के बाद मैं दूसरे गुलदार को ढूंढ रहा था कि दूसरा गुलदार कहाँ बैठा हुआ है। मैं ये देखना चाहता था कि ये फीमेल तो है परंतु इसका मेल कितना बड़ा है और ये कहाँ है। परंतु दोस्तों बहुत लेट हो गई, 10-15 मिनट देखने के बाद मैंने देखा कि यदि मैं अपना समय गंवा दूँ तो जो गुलदार यहाँ पे है मैं इसको भी नहीं मार पाऊँगा, इसलिए मैं अपने राइफल सीधी की और ठीक सीधा उसके चेस्ट का एम करते हुए मैंने गोली चला दी। दोस्तों एक धमाका हुआ और गुलदार वहीं पे उछल के वहीं पे बगल पे गिर गई। धमाका होने के कारण जो मेल गुलदार था वो उस गुफा की ओर अंदर की ओर था, इसलिए वो वहाँ से झटके के साथ निकला और झटके के साथ जहाँ पे वो फीमेल थी वो वहाँ पे पहुँचा। तो मैंने तुरंत राइफल लोड कर दी थी और जब वो गुलदार वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा अरे ये तो मेल गुलदार तो ये है और ये बड़ा है। और जो वो उसने मेरी ओर ऊपर नज़र फेरी, यानी मेरी ओर चट्टान की ओर उसने देखा कि गोली कहाँ से आई है, तो मैंने तुरंत उस पर फायर कर दिया। परंतु दोस्तों इस समय मेरी गोली उस मेल गुलदार को नहीं लगी और वो तेज़ी से भागता हुआ इस साइड से, और फिर मतलब क्योंकि जो चट्टान की रिज थी वो नीचे रोड तक जाती थी, बहुत बड़ी चट्टान थी, मतलब लगभग रोड से लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर की वो चट्टान थी, इसलिए जो गुलदार था वो यहाँ से भागते हुए जहाँ पे हमने फायर किया यहाँ से वो फिर हमारे पीछे से निकल गया। दोस्तों मैंने उसी समय देखा कि ये गुलदार
ऊपर जिसने नज़र मारी, इससे ये है कि ये हमको देख चुका है और ये मीटिंग पीरियड है। मीटिंग पीरियड में हमने इसकी फीमेल को मार दिया है। अब हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि ये गुलदार गुस्से में ज़्यादा सक्रिय हो जाए। तो उसके बाद जहाँ से वो गुलदार मेल गुलदार निकला था, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो हम भी वहाँ से नीचे को निकले। और नीचे निकलने के बाद अब हमको जहाँ से मेल गुलदार निकला था वहीं से हमको उस फीमेल के नज़दीक पहुँचना था। दोस्तों जब हम लगभग कॉर्नर पे थे, रास्ता बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल एक चट्टान पे था, मैं और वीरेंद्र जब नीचे जा रहे थे तो हमने देखा कि वो मादा जो फीमेल थी जो गिरी हुई थी अभी तक, वो खड़ी होके जहाँ हम हैं हमारी ओर बढ़ रही है। अब एकदम उस फीमेल को देख के हम एकदम घबरा गए, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की सिचुएशन थी कि यदि ये फीमेल जो है एक घायल है और ये हम पे अटैक करती है तो हम यहाँ से सीधे लगभग 200-250 मीटर नीचे चट्टान में गिर जाएंगे। एक रिस्क था बहुत बड़ा। और मैं आगे से था, वीरेंद्र मेरे पीछे से, मैं देख रहा हूँ कि वो गुलदार बिना देखे हुए, ऐसा लग रहा था कि ये हमको नहीं देख रही बल्कि सीधे रास्ते को देख रही है और हमारी ओर बढ़ रही है, जबकि हम उससे 5 मीटर पर खड़े थे। तो जब मैं एकदम लास्ट टाइम पे मैंने सोचा कि ये गुलदार क्या कर रही है, तो सीधी हमारी ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों मैंने तुरंत सीधी राइफल सीधी की और एम भी 5 मीटर पर क्या एम होना था, सीधी बैरल सीधी की और ठीक जो गुलदार थे उसके सर का निशाना लेते हुए मैंने तुरंत फायर कर दिया और गोली सीधे उसके सर के बगल से इस कंधे से लग के और नीचे से बाहर निकल गई और वो मादा गुलदार वहीं पे गिर गई। दोस्तों उसके बाद हमने सोचा कि वास्तव में यदि ये मादा गुलदार थोड़ा भी एक्टिव और ज़्यादा एक्टिव होती तो ये तुरंत हम पे हमला कर सकती थी और उसमें हमारी जान जानी 100% था कि हम लोगों को ये नीचे गिरा देती। परंतु ऊपर वाले का शुक्र था कि वो गुलदार की जो गोली लगी थी उस गोली के कारण वो अर्धचेतना अवस्था में हमारी ओर बढ़ रही थी, इसलिए उसने उतनी फुर्ती नहीं दिखाई और उसने ध्यान नहीं दिया कि मेरे आगे से कोई खड़ा है। और उसके बाद मैंने तुरंत DFO नरेंद्र नगर को फ़ोन किया कि सर मैंने जो यहाँ पे फीमेल जो गुलदार थी वो मार दी है। मैंने उसका जब मुँह खोला तो उसका एक कैनाइल पूरा टूटा हुआ था और इसका जो एक कैनाइल है वो पूरा टूटा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने उनके पंजों को देखा तो पंजों के नाखून पूरी तरह से घिसे हुए थे। और तो ये सारी चीज़ बताने के बाद मैंने DFO गोपाल सिंह जी को बताया कि सर इसमें एक बड़ी मिस्टेक ये हो चुकी है कि हमने जिस गुलदार को मारा वो फीमेल है और ये इस टाइम पे भी, जबकि अक्सर जो इनका मीटिंग पीरियड है वो मीटिंग पीरियड मार्च अप्रैल में होता है, परंतु ये 10 तारीख जून को भी मीटिंग में थे और मीटिंग के कारण जो मेल है, मेल गुलदार बहुत गुस्से में होगा और अब ये कुछ भी कर सकता है। तो DFO साहब ने मुझे कहा या रावत इस चीज़ को किसी और को मत बताना। तो एक दिल में एक टीस तो थी कि यानी हम किसी को नहीं बताएंगे तो ये लोगों के साथ एक धोखा है, परंतु ऐसा भी हो सकता है यदि ये दोनों ने एक साथ शिकार नहीं किया होगा तो हो सकता है मेल इस प्रकार की एक्टिविटी न करे। खैर दोस्तों तो उसके बाद 3 फायर हो चुका था तो ठीक जो गांव टोल गांव था वो सामने दिख रहा था तो लोग वहां से भी हमें देख रहे थे। तो मैंने स्वरूप सिंह नयाल को कहा कि यहां पे एक गुलदार मैंने मार दिया है, आप 2-4 लोगों को लेके यहाँ इसको लेने पहुँचे। तो थोड़ी देर बाद दोस्तों वो लोग वहाँ पहुँच गए। फिर उस समय वहीं पर से हमने उस गुलदार को डंडों पे बांधा और उस कठिन रास्ते के बाद फिर हम लोग टोल गांव पहुँच गए। टोल गांव पहुँचने पे वहाँ पे लोगों ने हमारा बहुत स्वागत किया, क्योंकि मुझे कन्फर्म था कि ये जो मादा गुलदार है इसके जो कैनाइल टूटा हुआ है
इसी के कारण ये आदमखोर हुई है। और उसके बाद वहाँ से पैदल लेके और फॉरेस्ट ने अपनी गाड़ी भेजी और हम इस गुलदार को लेके देवप्रयाग इसकी पोस्टमार्टम के लिए पहुँच गए। उस समय वहाँ पे जो आरओ थे सकलानी जी और उनके द्वारा डॉक्टरों से संपर्क करके डीएफओ को मैसेज करने के बाद एसडीओ साहब वहाँ पे आए और उनके सामने इसका पोस्टमार्टम किया गया। और ये 100% हो गया था कि आदमखोर यही है। तो मैंने अपनी बात जो थी वो आरओ को भी बता दी कि सर ऐसे ऐसी घटना है और हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि ये जो दूसरा मेल गुलदार है ये भी कहीं गुस्से में किसी को क्षति न पहुंचाए। और दोस्तों उसके बाद हम लोग दूसरे दिन देवप्रयाग से कैप्चर की ओर चल दिए। दोस्तों इसके बाद वो जो मेल गुलदार था वो आदमखोर हुआ या नहीं, उसको कैसे मारा गया और उसने कितने किल किए, इन सारी घटनाओं को देखने के लिए आप लोग इसका दूसरा भाग देखना न भूलें। दोस्तों आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों क्योंकि ये जो आज जिस कैमरे के द्वारा मैं इसे शूट कर रहा हूँ, एक नया कैमरा मैंने ख़रीदा था, आज इसकी टेस्टिंग भी है और देखता हूँ मैं इसकी वीडियोस कैसी बन रही है। और फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की एक रोमांचक घटनाक्रम के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।